चंद्रवती क्या परेशानी है आपको? दर्द है सारे शरीर में। शरीर में दर्द है? आप तो पहले भी आए थे पहनने, कई साल पहले? चार साल हो गए लगभग। तो आपकी तबीयत कैसी रही छल्ला पहनने के बाद? ठीक रही। ठीक रही। अब क्या दिक्कत हो रही? दर्द हो रहा है सारे शरीर में। अब फिर हो रहा? अच्छा, ये छल्ले आपके घिस गए थे? घिस गए थे, काम नहीं कर रहे थे, तो आज ये दोबारा बनावेंगे। आज रात से ही आराम होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो फोन पर बात कर लियो जी। हमारा मोबाइल नंबर 9411295804। भूपेंद्र अग्रवाल बेटा है, नमिता अग्रवाल जो वीडियो बना रहा आपकी जी। एक घंटे के बाद कल सुबह कल दोपहर फोन करियो, कल शाम को जी। क्या बाकी रह गया शरीर में, क्या बाकी रह गया? हो सके बाल बराबर भी ना रहे बस। और परहेज रखना जो मैंने बताया था आपको, सरसों का तेल, खटाई, गुड़ शक्कर, आम का अचार, इमली की चटनी, उड़द की दाल, कढ़ी, दही चावल, गागरी अरबी, इनका गठिया बाय में जोड़ों के दर्द में परहेज है। बाकी सब कुछ खाओ, कोई परहेज नहीं। टमाटर पुदीने की चटनी 12 महीने खाओ, नींबू डाल के, नींबू का अचार 12 महीने खाओ, आम का अचार नहीं खाना, इमली की चटनी नहीं खानी। कोई भी दिक्कत हो फोन पर बात कर लो, सुबह 9 बजे के बाद शाम तक जब मर्जी बात कर लो। एक घंटे में ही, आधे घंटे में ही, 40 मिनट में ये दर्द आराम होना शुरू हो जाएगा। अभी गठिया बाय का इलाज मेडिकल में नहीं है। आपने कई साल दवाई खाई, आपने बताया था 4 साल पहले, और आप बिल्कुल ठीक रही हमारा छल्ला पहन के। हाँ ठीक रही, बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की। लगभग 55 साल उम्र है जो भी आपकी, 50-55, अभी 45 बाकी है 50। और सरसों का तेल नहीं खाना, अब आपने गलती वही करी, सरसों का तेल खाने लगे। शुद्ध तेल भी सरसों का जहर है, आर्थोराइटिस में गठिया बाय में, ये किसी किताब में नहीं लिखा, इसीलिए मेडिकल में ठीक नहीं हो पाता आदमी, ठीक है ना जी। अपना भगवान का नाम लो और अपने सारे काम करो और फिर दर्शन दियो, ठीक हो गए। एक बार कभी दबाव के आओ, लड़की के आओ, यहाँ भी आ जाइए दर्शन देने, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो बात कर लो। बवासीर है तो, गठिया बाय है तो, साइटिका है तो, सर्वाइकल है तो, नाम खिसक जाए जो पेट मलवाते हुए हैं लड़के लड़कियां औरतें, नाम उतर जा, IBS बोलना, नेवल डिस्प्लेसमेंट, पैनक्रिया, सब ठीक हो जाए छल्ला पहन के। साइटिका हो, सर्वाइकल हो, बॉडी दर्द हो, सब में आराम मिले, घुटने दर्द हो, सब ठीक होते चले जाएंगे, आप चिंता ना करो। अपना ध्यान रखना, कहीं जाओ बेटी के यहाँ, दामाद के यहाँ, लड़के के पास, भाई के यहाँ, भतीजों के यहाँ, कि भाई कुछ ही डाल दो दाल में, सब्जी में, सरसों का तेल ना डालो, चाहे घर का भी है तुम्हारे लिए जहर है जोड़ों के दर्द में बस। इसलिए कृपा से परमात्मा की, हमारे द्वारा लोग ठीक हो जाएं, मेडिकल में ठीक नहीं होते, घुटने बदले जाएं बस, ऐसी नौबत नावे बदलने की अपना ध्यान रखिए। जैसे पहले ठीक हो गए तैसे अब ठीक हो जाओगे। परमात्मा सबको ठीक रखे। अब ये बताओ, जैसे तुम उकड़ू बैठो तो इनमें उठने बैठने में दिक्कत हो रही है घुटनों में? दिक्कत हो रही है, परेशान हो रहा हूं। अच्छा, सारी नसों में? अच्छा अच्छा, देख इनमें पूरा दर्द है, कोई बात नहीं कर सकती। उसके लिए हम घरेलू उपाय बताएंगे तुम्हें, वो दे रहे अभी आपको, परहेज लिखवा के फोटो खिंचवा दूंगा दामाद को आपके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। और कोई भी दिक्कत हो फोन कर, सुबह 9 बजे के बाद बात कर लो, रात के 9 बजे तक, 8 बजे तक। अरे सरसों का तेल सारी गठिया बाय है, जोड़ों का दर्द आपके बाय फैल रही शरीर में,
सरसों का तेल की वजह से हो रहा है चक्कर तुम्हारा, तुम हाँ अब अगली बार गलती ना करियो, जो हो गया हो गया बस। पैसे सरसों के तेल में भी जा रहे हैं और पैसे राइस ब्रान तेल में भी जा रहे हैं। आप भी बनाकर पूरी खाओ त्यौहार पर नवरात्रों को, लेकिन सरसों के तेल में नहीं खानी सीधी बात, ना सब्जी ना रोटी ना परांठा। और बच्चे भी सब्जी एक जगह बनेगी तो कुछ ही बना लो, सरसों का तेल नहीं डालना, राइस ब्रान तेल ले लो, गाय का घी डाल लो, भैंस का घी डाल लो सब्जी में, नहीं है कुछ भी डाल लो, सरसों का तेल नहीं खाना। पूरी भी बनेगी त्यौहार पर अच्छे नाम को आप ही खाना, ऐसा नहीं आप ही बंद कर रहे पूरी त्यौहार है, कुछ है शादी ब्याह है। कटकट की आवाज आ रही क्या? दो काजू कांचे गिलास में भिगो दो सुबह पानी में, अच्छा, और रात को चबा के खाओ, गर्म दूध पी लो साथ में, पानी फेंक दो, और एक पाव काजू महीना डेढ़ महीना खा लो, फिर कटकट की आवाज पूरे गांव में नहीं आने की नगड़ में भी। हाँ दो काजू रोज रात को खाने, सुबह पानी में भिगो दो कप में मग्गे में कांचे गिलास में, और रात को खाने हैं, ठीक है ना। कटकट की आवाज खत्म हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो रही है, ठीक है। बस कोई भी दिक्कत हो फोन पे बात कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, कृपा करो।